कर्फ्यू के दौरान नगर पालिका नाहन में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की कई समस्याएं सामने आ रही हैं। सभी कर्मचारियों ने नाहन के विधायक एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर डॉक्टर राजीव बिंदल ने आला अधिकारियों से बात की और शीघ्र समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कर्फ्यू के कारण आम लोगों को कई तरह की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। नगरपालिका नाहन में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को भी इसी तरह की कई समस्याएं आ रही हैं, जिसके समाधान के लिए सफाई कर्मचारियों ने वीरवार को स्थानीय विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि सफाई कर्मचारियों ने उनके सामने चार मांगे रखी हैं, जिसमें बैंक द्वारा अगले 3 महीनों तक उनके वेतन में से ऋण की किस्त ना काटे जाना, कर्मचारियों को सफाई करने के लिए विशेष ड्रेस मुहैया करवाना, कर्फ्यू के दौरान नगर पालिका प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के मुताबिक अतिरिक्त वेतन दिया जाना और सफाई कर्मचारियों का बीमा करवाना शामिल है। सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर डॉक्टर बिंदल ने आला अधिकारियों से बात की और शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। राजीव बिंदल ने लोगों से आह्वान किया कि बाहर से आने वाले सभी लोग प्रशासन को अवगत करवाएं और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहे, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, हम एक बात मीडिया के माध्यम से बड़े स्पष्ट शब्दों में आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, हम उस पर नजर रखें और उनसे विनती करें कि वो 15 दिन के लिए अपने घर में क्वारंटाइन हो जाएं और प्रशासन को सूचित करें, क्योंकि इसमें कोई सजा नहीं है, कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ना सजा देने की किसी की मंशा है, परंतु यदि वो इन नियमों का पालन करेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और समाज भी सुरक्षित रहेगा। जाति, धर्म, संप्रदाय और राजनीति से ऊपर उठ कर के हम सब लोगों को और इस अनुशासन का पालन करते हुए इस कोरोना से बचना है। अभी हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं, ये लोग बहुत सेवा कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ करके इन सभी सफाई कर्मियों का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन्होंने 2-3 विषय हमारे सामने रखे। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और राष्ट्रीय स्तर पर यह घोषणा की गई कि जो लोन हमारे सफाई कर्मियों का है, वो अगले 3 महीने तक रिकवर नहीं किया जाएगा। उस संबंध में डायरेक्शन जारी की, इन्हें और सफाई करते हुए किटें मिलें, उसके लिए भी डायरेक्शन दे दी गई हैं और कुछ सैलरी अलग प्रकार से इनको मिले, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इंश्योरेंस के मामले भी डायरेक्शन जारी की है और हम आशा करते हैं 1-2 दिन में, इसी सप्ताह में वो डायरेक्शन भी इम्प्लीमेंट कराएंगे। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।